हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरा और एक ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ कहीं से मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे ठीक ठाक है और सुरक्षित है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय अर्ली मॉर्निंग रूटीन। बहुत दिन बाद मैं आप लोगों के साथ मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिन से जो है मैं घर पर नहीं थी, मैं अपने मायके और ससुराल पर थी। जो लोग मेरा डेली ब्लॉग देखते हो उन लोगों को पता ही है। तो कल ही मैं अपने मायके से आई हूँ और आने के बाद जो है मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी। और आज से जो है सोनू का स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है, तो कल रात आने के बाद जो है बहुत सारा काम करना पड़ा। घर तो गंदा था ही, ऊपर से जो है सोनू का बुक्स वगैरह, यूनिफॉर्म और बाकी का जो जो है सूस वगैरह सब कुछ मुझे ठीक ठाक करके रखना पड़ा, अरेंज करके। तो अभी देखिए सुबह उठ मैंने 5 बजे उठी थी और उठने के बाद फ्रेश व्रेश हो गई थी। अभी मैं आ गई थी किचन पर, तो पहले चलिए खाली पेट जो है एक ग्लास पानी पी लेंगे। तो पहले जो है मैं वार्म वाटर पीती थी, बट अभी इतना ज़्यादा गर्मी है वार्म वाटर नहीं पीती हूँ, ऐसे ही नॉर्मल वाटर पी रही हूँ। और पानी पीने के बाद जो है मुझे किचन को भी क्लीन करना है। तो किचन काउंटर टॉप कितना गंदा पड़ा है आप लोग देख ही सकते हो। तो कल आने के बाद जो है खाना पका के खाना बना पकाए थे, बट किचन को जो है अच्छे से क्लीन नहीं किया था। बर्तन वगैरह धो के रखी थी क्योंकि सुबह भी बहुत ज़्यादा काम था मुझे। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं काउंटर टॉप को क्लीन कर लूँगी। और अभी ना सोनू को 6:20 तक मुझे बस पे छोड़ के भी आना है, तो उसके पहले जो है ब्रेकफास्ट बना लूँगी सबके लिए। तो सोनू को भी ब्रेकफास्ट में दे दूँगी और हम लोगों के लिए भी बना लूँगी, और साथ ही साथ जो है लंच भी मुझे पकाना है। तो आप लोग जो मेरा डेली ब्लॉग देखते हो उन लोगों को पता है 8 बजे तक जो है मेरा लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ बन के रेडी हो जाते हैं। तो आज मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ा। तो देखिए उठने के बाद जो है मतलब फटाफट मैं काम पे लग गई हूँ, 1 मिनट तक बैठने का टाइम भी नहीं मिला था आज मुझे। और बहुत दिन से घर पे भी नहीं थी, ऊपर से अचानक से स्कूल है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था आज का। तो चलिए अभी जो है किचन को मैंने क्लीन कर लिया है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर मैंने राइस बिठा दिया है। और राइस एक साइड बिठा दूँगी और एक साइड ब्रेकफास्ट बना लूँगी, क्योंकि राइस होने में ज़्यादा वक्त लगता है, तो इसके लिए राइस पहले मैंने बिठा दिया है। और अभी चलिए ब्रेकफास्ट मैं बना लेती हूँ, और काउंटर टॉप को थोड़ा सा मैंने क्लीन भी कर लिया था। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बहुत ही मतलब हेल्दी एंड इजी ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ, एक गोला रोटी टाइप बनेगा। तो यहाँ पर जो है सूजी को पहले से पानी में भी भिगो के रखी थी, अभी ऊपर से मैंने कार्ड ऐड कर दिया था और थोड़ा सा वेजिटेबल्स और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और मिर्चा थोड़ा सा। तो अभी एक अंडा भी मैंने ऐड कर दिया है, और ये ब्रेकफास्ट मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही ईजी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट है और सोनू को भी बहुत ही पसंद है। तो देखिए एक साइड जो है हो गया था, और दूसरे साइड में थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर जो है सोनू के लिए मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था, अभी मैं पैक कर दूँगी। और ये देखिए वाटर बॉटल में मैंने पानी भी दे दिया था, और एक बॉटल में मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा सा ग्लूकोनडी भी दे दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और आने जाने में जो है सोनू का 2 घंटा लग जाएगा, तो इसलिए पानी मैंने ज़्यादा करके दे दिया है। और अभी गर्मी का टाइम है तो पानी बहुत ही पीना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सैनिटाइज़र भी दे दिया था, और ये देखिए मैंने यहाँ पर यूनिफॉर्म वगैरह भी पहना दिया था, अभी सूज पहना दूँगी। और सब कुछ मैंने रेडी कर कल रात को ही जो है बैग वगैरह पैक करके रख दिया था, क्योंकि सुबह जो है नहीं होगा और आज फर्स्ट डे है, तो इसीलिए और भी मतलब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। 1-2 दिन जाएगा तो ठीक ठाक हो जाएगा। तो चलिए अभी इसको मैं फटाफट रेडी कर लेती हूँ। सुबह का जो वेदर है बहुत ही हाँ। तो
सोनू को मैंने बस पे बिठा के जो है मार्केट गई थी फीस लाने के लिए, और आप लोगों ने देखा पहला दिन ही प्रॉब्लम होने वाला था, बस जो है थोड़ी देर में और छूट जाता तो दौड़ दौड़ के जो है बस पे बिठाना पड़ा। तो पहला दिन है इसीलिए मतलब थोड़ा सा जो है लेट हो गया था। तो अभी चलिए मैं फटाफट लंच पका लेती हूँ। आज लंच पे बनेगा फिश करी। तो यहाँ पर देखिए बिंजल और आलू देखे मैं फिश करी बनाऊँगी। तो फिश को सबसे पहले मैंने फ्राई कर लिया था, और बिंजल को मैंने जो है थोड़ा सा सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर देके मैरिनेट करके रखा था। तो पहले जो है बिंजल को मैं फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद यहाँ पर मैं आलू को भी फ्राई कर लूँगी। तो बिंजल को मैंने इस तरह से कट किया था और आलू को भी जो है इस तरह से कट कर लिया था। और ये बिंजल और आलू देके जो है फिश करी बहुत ही अच्छा लगता है, और मेरे पास जो जो अवेलेबल होता है मैं वही देके बना देती हूँ। ऐसा मतलब नहीं कि यही चाहिए, तो जैसा होता है वही वैसे ही मैं बना देती हूँ, वैसे ही मैनेज कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया था फिश करी बनाने के लिए, और अभी ऑनियन की फ्राई कर लिया था। ऑनियन फ्राई होने के बाद यहाँ पर मैंने टोमेटो ऐड कर दिया था, और अभी मैंने ऐड कर दिया था मसाला। तो मसाला जो है मैं थोड़ा सा करके डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो इसीलिए जो है पतला सा ही फिश करी बनेगा, ज़्यादा हेवी खाना मैं नहीं बनाऊँगी। और बहुत दिन से मतलब हेवी खा रहे थे दोनों जगह पर, तो घर पर आने के बाद जो है थोड़ा सा मैं हल्का बना रही हूँ, नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाएगा, इतना ज़्यादा गर्मी है। तो अभी देखिए मैं मसाला के साथ अच्छे से आलू और बिंजल को भून लिया था, और अभी थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूंगी, तो इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर देखिए फिश करी बनके हो गया था रेडी, और राइस तो पहले ही हो गया था, राइस फिश करी और उसके साथ रायता, यही है हमारा आज का सिंपल सा लंच। और अभी इनको मैंने ब्रेकफास्ट भी दे दिया था। ब्रेकफास्ट तो पहले ही मेरा बनके रेडी था, सिर्फ चाय बनाई थी, और अभी तो सुबह सुबह मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो इनके लिए सिर्फ बनाई थी। और ब्रेकफास्ट भी मैं थोड़ी देर बाद में करूँगी, क्योंकि अभी मेरा मन नहीं है ब्रेकफास्ट खाने का। तो इसके साथ बैठ के ही मैं एक दो बातें कर रही थी, और सुबह सुबह काम तो सब कुछ मेरा कम्प्लीट हो चुका था, सिर्फ क्लीनिंग का काम बाकी था। तो इन्होंने भी ड्यूटी चला गया था, और अभी मैं आ गई थी बेडरूम को क्लीन करने के लिए। तो आज जो है बेडशीट वगैरह भी मुझे चेंज करना था। तो यहाँ पर देखिए मच्छरदानी ओढ़ के मैंने हम लोग सोए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा मच्छर है, और ये विंडो खुलने से जो है और भी ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं, क्योंकि नीचे जो है थोड़ा सा मतलब पेड़ पौधा है, तो और छोटा बच्चा भी है, तो इसलिए जो है हम लोग मच्छरदानी ओढ़ के सोते हैं, और एक जो मैट होते हैं ना, तो वो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है पर्सनली पसंद भी नहीं है, और वो तो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है बेडशीट मैं दूसरा बिछा रही हूँ। तो चलिए अभी फटाफट मैं बेडशीट में बिछा देती हूँ, और उसके बाद जो है ये रूम क्लीन करना है, और फिर जो है मेरा और एक बेडरूम है वो भी क्लीन करना है मुझे। तो चलिए ये सब कर लेते हैं, उसके बाद जो है आप लोगों से बातें करती हूँ। तो दोनों बेडरूम मैंने क्लीन कर लिया था, उसके बाद डाइनिंग एरिया को भी मैंने क्लीन कर लिया था, और पूरी घर पे जो है झाड़ू लगा दिया था, और साथ ही साथ मकड़ी का जितना सारा झाड़ा वगैरह था वो भी मैंने क्लीन कर लिया था। अभी मैं यहाँ पर आ गई थी सिंक बेसिन को क्लीन करने के लिए, तो बेसिन भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, और ये तो व्हाइट कलर का है, डेली मैं क्लीन करती हूँ, आप लोग देखते हो। तो बेसिन को क्लीन करने के बाद जो है मैं मॉप करती हूँ, नहीं तो बेसिन क्लीन करते करते जो है चारों तरफ पानी गिरते हैं, तो इसलिए जो है सबसे एंड में मैं मॉप करती हूँ। और
किचन का जो है क्लीन कर लिया था, बर्तन वगैरह भी मैंने वॉश कर लिया था, तो अभी बेडरूम को भी अच्छे से मैं पोछा लगा रही हूँ। जितने सारे फर्नीचर्स वगैरह है वो सबके नीचे नीचे मैं डेली अच्छे से पोछा या और झाड़ू लगाती हूँ। तो दोनों बेडरूम पर मैंने पोछा लगा दिया था, उसके बाद मैं आ गई थी डाइनिंग एरिया को पोछा लगाने के लिए। तो अभी यहाँ पर भी मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी फर्नीचर्स वगैरह के नीचे नीचे। तो उसके बाद मुझे जाना है नहाने, क्योंकि घर का काम जो है सब कुछ हो ही गया है और अभी 11 हो गया था टाइम, तो बेटू को भी ले आना है। तो आज पहला डे है तो बहुत देर तक रुकना पड़ा था, उसके बाद ही बेटू आया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा है, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय फ्रेंड्स।